नमस्कार, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क के एक नए वीडियो में। आज हम बताने जा रहे हैं मारुति सुजुकी लोकप्रिय कार विटारा ब्रेजा के बारे में। कंपनी ने ब्रेजा के 2020 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इसे 7,34,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किए जाने के बाद नई विटारा ब्रेजा की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। कंपनी ने विटारा ब्रेजा 2020 के टॉप वेरिएंट की कीमत 11,40,000 रुपए तय की है। नई विटारा ब्रेजा में पुराने 1.3 लीटर डीजल इंजन की जगह पर 1.5 लीटर BS6 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 105 bhp का पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स लगाया गया है। डिजाइन की बात करें तो इसमें नया ग्रिल लगाया गया है और दोनों किनारों पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं। इनमें LED DRLs भी लगाए गए हैं। नई ब्रेजा में नए LED टेल लैंप भी लगाए गए हैं। इसमें 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। वहीं ऑटो ORVM और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर भी दिए गए हैं। नई विटारा ब्रेजा में 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें ऑटो डिमिंग, एंटी ग्लेयर ORVM और गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया है। भारतीय बाजार में नई विटारा ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV300 और फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी कारों से होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑटो जगत से जुड़ी ताजा जानकारियां पाने के लिए ड्राइव स्पार्क हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें।